ओके बच्चों, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलकेन चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। हाइड्रोकार्बन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है बच्चों अल्कीन। अल्कीन आपने कर लिया तो फिर अल्काइन, और अल्काइन के बाद सबसे आसान चैप्टर अल्केन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि क्यों आसान है। कहता है ऑन हैलोजिनेशन एन अल्केन गिव्स ओनली वन मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। द अल्केन में भी कहता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका हैलोजिनेशन करेंगे तो हैलोजिनेशन करने के बाद केवल ओनली वन मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट देता है, मतलब केवल एक ही हैलोजन वाला प्रोडक्ट देगा। देखिए जैसे टू मिथाइल ब्यूटेन है बच्चों, तो देखिए ये टू मिथाइल ब्यूटेन हमने बना दिया। जब आप इसमें हैलोजिनेशन करेंगे तो आप देखो हैलोजन यहाँ भी लगा सकते हो और हैलोजन यहाँ भी लगा सकते हो। तो ऐसे ऐसे करके जब हम चार बार अलग अलग पोजीशन पर लगाएंगे हैलोजन तो चार प्रोडक्ट मिलेंगे, और स्टीरियो आइसोमर को कंसीडर करेंगे तब तो और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब केवल एक तो नहीं मिलेगा फर्स्ट से। चलिए सेकंड देखते हैं। 2,2-dimethyl propane है तो प्रोपेन बना लिया ये 2,2-dimethyl। अब इसमें बच्चों आप कहीं पर भी हैलोजन लगाइए, ठीक है, आप केवल एक ही जगह हैलोजन लगा सकते हैं, यहाँ पर। यहाँ लगाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ लगाएंगे सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है बोथ बी एंड सी, तो सी को भी चेक करना चाहिए। साइक्लोपेंटेन दिया हुआ है, तो साइक्लोपेंटेन में जब हम हैलोजिनेशन करेंगे तो सारे के सारे कार्बन देखिए सिमेट्रिकल ही है, तो किसी भी एक कार्बन पर आप हैलोजन लगा दीजिए, बाकी आप कहीं पर भी हैलोजन लगाएंगे तो सब जगह से मिलने वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। इसका हम लोग सी भी सही है, तो आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। देखिए बच्चों वुड्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, अल्काइल हैलाइड लेते हैं फिर सोडियम के साथ ईथर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होता है, और ऐसे ही जब हम इसके दो मोल लेते हैं तो दो फ्री रेडिकल जो है इस तरह से आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके जो है ये इवन प्रोडक्ट बनाते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल ब्यूटेन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन में बच्चों देखिए ये इस तरह का है, तो अगर आप यहाँ से बीच से तोड़ देंगे तो बेसिकली ये इस तरह का इथाइल हैलाइड रहा होगा, ठीक है, फिर ऊर्ज रिएक्शन से ये आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब सिमेट्रिकल प्रोडक्ट ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा मिलता है, समझ गए बात को, सिमेट्रिकल प्रोडक्ट। जबकि आइसोब्यूटेन में देखिए, आइसोब्यूटेन में बच्चों आप समझते हैं इस तरह का है, तो इसमें आप जो है ना सिमेट्रिसिटी नहीं बना पाए। कहने का मतलब इसमें इसको अगर आप दो हैलोजन वाले कंपाउंड में है ना, दो अल्काइल हैलाइड में अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको दोनों कंपाउंड डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऊर्ज रिएक्शन से बेस्ट तरीके से यही प्रिपेयर्ड किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के भी प्रोडक्ट को ऊर्ज से हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड लेने पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों दिया हुआ है वॉल्यूम डेंसिटी, तो मोलिकुलर वेट का फॉर्मूला होता है 2 × का वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसे कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है, एक ऐसे हाइड्रोकार्बन के बारे में बात हो रहा है जिसका मोलिकुलर वेट है बच्चों 72, क्या है 72। अब कहता है कि वो जो हाइड्रोकार्बन है ओनली वन मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, ठीक है। उसमें एक ही मैंने उस कंपाउंड में, खास बात यह है कि जब हम उसमें हैलोजिनेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना केवल एक ही जगह पर हम हैलोजन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कहता है बताइए कौन सा कंपाउंड होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है बच्चों नियोपेंटेन को अगर हम देखें गौर से, तो ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, और इसमें जब आप मोनो हैलोजिनेशन करेंगे तो केवल यहीं पर लगेगा। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था, ठीक है।
तो नियोपेंटेन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि हम मोनोहैलोजिनेशन करेंगे तो केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो नियोपेंटेन हुआ, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C5H12 होगा, और C5H12 का मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो 12 × 5 = 60 और प्लस का 12 = 72 हो रहा है ना, तो ये इससे मिल रहा है तो बी सही जा रहा है। जैसे मान लीजिए इसको सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सी में बच्चों जैसे देखिए साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन में जब आप मोनोहैलोजिनेशन करेंगे तो ये भी एक ही मोनोहैलोजिनेशन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? तो C6 और H12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका जब आप मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो फिर ये आपको 72 से ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी और दोनों आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इथाइल आयोडाइड एंड नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। देखिए इथाइल आयोडाइड मतलब CH3CH2 और ये आयोडीन है, और दूसरा है नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड मतलब CH3CH2CH2 और उसके बाद आयोडाइड है, ठीक है। कहता है अंडर गो उर्ज रिएक्शन। अब इसका जो है हम सोडियम और ईथर के साथ जो है सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं दोनों का। तो जब हम सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन इसका करवाएंगे तो आपको मैंने बताया था ये बेसिकली क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का ये भी बनाएगा फ्री रेडिकल CH3CH2CH2 फ्री रेडिकल्स। अगर हम इसके ही 2 मोल यूज में ले लें, इसके ही अगर हम 2 मोल यूज में ले लें तो ऐसे ऐसे 3 और 3 6 कार्बन का सिमेट्रिकल कहने का मतलब हेक्सेन बन जाएगा, इससे हेक्सेन बनेगा, समझ गए बात को। इससे क्या बनेगा, ऐसा ही बच्चों CH2CH3 का रेडिकल्स इसके सामने रख देंगे, कंबाइन कर देंगे तो ये ब्यूटेन बनाएगा, तो ब्यूटेन बनेगा, हेक्सेन बनेगा इससे। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि इधर वाला रेडिकल्स और इधर वाला रेडिकल्स भी आपस में कंबाइन हो जाए, तो इधर से 2 कार्बन और इधर से 3 कार्बन, टोटल मिलाकर 5 कार्बन पेंटेन भी बन सकता है। मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कंपाउंड मिल जाएंगे प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन बी नहीं मिल पाएगा। तो हमसे पूछा है कि द अल्केन विच विल नॉट बी ऑब्टेन, कौन सा ऑब्टेन नहीं होगा, तो बी होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है, कहता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन। इस कंपाउंड में जब हम कहता है कि जब हम इसमें जो है हेलोजिनेशन करेंगे, क्लोरिनेशन करेंगे, वो भी मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, तो कितने कायरल सेंटर जनरेट होंगे। तो इसके लिए आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए बच्चों इस तरह से हमने बना लिया एक बार, फिर यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर बना लिया 2 बार, फिर और बना लिए 3 बार, और एक बार और बना लेते हैं। इतना बार ही क्यों बनाया हमने, बेसिकली मोनो हैलोजिनेशन होगा तो एक बार हैलोजन यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, है ना, 4 जगह ऐड करेंगे इसलिए 4 स्ट्रक्चर हमने बना लिए। एक बार बच्चों हमने क्लोरीन यहाँ लगा लिया, तो बताइए इसमें कायरल सेंटर है क्या? कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये कार्बन पर देखिए ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है। अगर हम यहाँ पर हैलोजन लगा दें, मतलब यहाँ क्लोरीन लगा दें, तो फिर देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ही, तो ये वाला जो कार्बन है बच्चों वो कायरल सेंटर है, तो एक कायरल सेंटर आपको मिल गया। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर लगा दिया हमने, अब यहाँ पर लगा दें अगर, तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप समान हो गए इसमें। फिर अगर यहाँ पर हम लगा दें तो फिर ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये देखिए कायरल सेंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखिए ये हो गया मिथाइल क्लोराइड हो गया एक प्रकार से, ये मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इसमें भी कायरल सेंटर है। तो टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने मिल गए? 2। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों देखिए यहाँ पर CH3Cl से हमें मीथेन बनाना है। कहता है कि बताइए किस किस से बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है बेसिकली ये H- आयन देता है। कैसे? तो आप जानते हो कि लिथियम के साथ यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड है तो ये Li+ और AlH4- है, और AlH4- कैसे बना होगा? तो AlH3 के साथ जो है H कंबाइन करके, ठीक है, तो ये H- यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो H- है बेसिकली ये क्या है कि बच्चों एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है। ये H- को हम क्या करेंगे, ये H- के द्वारा यहाँ पर SN2 अटैक करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है,
तो ये यहाँ से जो है लीव कर जाएगा और फाइनली जो है आपको सी एच फोर मिल जाएगा, मतलब बी से मिलेगा। लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, तो इसीलिए अब हमें सबको चेक करना पड़ेगा, चेक करना चाहिए। पहले देखिए दिया हुआ है मैग्नीशियम ईथर, तो सी एच थ्री सी एल के साथ जैसे ही आप मैग्नीशियम ईथर लेंगे तो बच्चों ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट एम जी सी एल बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाएगा। और आप जानते हो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एनायन क्रिएट कर देगा। फिर जैसे हम इसके ऊपर H2O है ना, H2O देंगे, तो आप जानते हो H2O इज द सोर्स ऑफ H+, ठीक है। तो ये तुरंत जो है इससे H+ ले लेगा और CH4 बना देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इससे भी मिल रहा है, अब दो मिल गया तो ऑल ऑफ दीज होना ही है, लेकिन फर्स्ट को भी चेक करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो है CH3Cl के साथ जैसे ही हम जिंक का रिएक्शन करवाएंगे, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाए थे, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, इसके बीच में इंसर्ट हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। उसी प्रकार से जिंक भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। और ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो यहाँ पर कार्बन आयन बना देगा। फिर ये जो कार्बन आयन है ये क्या करेगा, इस H+ पर अटैक करके और ये भी CH4 बनाएगा। कहने का मतलब सभी से आपको मीथेन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ब्यूटेन दिया हुआ है, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन पर जो है क्लोरीनेशन करना है, ठीक है, फ्री रेडिकल से। तो कहता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर विच आर पॉसिबल इन द रिएक्शन। देखिए बच्चों सबसे पहला नंबर इस तरह से बना लीजिए, यहां भी बना लीजिए, बस दो ही बनाने की जरूरत है। एक बार आप क्लोरीन यहां पर लगाइए, ठीक है, यहां पर क्लोरीन लगाएंगे, यहां देखिए CH2, यहां CH2 और यहां पर CH3। अगर आप गौर से देखेंगे इसमें कोई कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, और चूंकि कायरल सेंटर मौजूद नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ऐसे एक ही कंपाउंड होंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन को यहां पर लगाएंगे, हाइड्रोजन यहां पर है CH3, ये बच्चों CH2 और ये CH3। अब गौर से देखिए तो ये कार्बन आपको कायरल सेंटर दिख रहा है, और चूंकि ये कायरल सेंटर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्टिकली है ना दो कन्फ्यूग्रेशन देगा, है ना, कहने का मतलब R और S दो कन्फ्यूग्रेशन देगा। तो कहने का मतलब है कि इसके कितने प्रोडक्ट हो गए, दो प्रोडक्ट होंगे, ऐसे ऐसे दो प्रोडक्ट होंगे। जैसे ही कायरल सेंटर दिख जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दो कन्फ्यूग्रेशन पॉसिबल होंगे, मतलब ऐसे ऐसे दो कंपाउंड पॉसिबल होंगे, ठीक है, दो। तो ये दो हो गया, इसमें एक इसमें मिल गया। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पर रिपीट करोगे ना यहाँ पर क्लोरीन, तो बेसिकली यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो अब इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो कहता है बताइए कितने प्रोडक्ट मिले, मोनो क्लोरो कितने प्रोडक्ट मिले इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो तीन मिले। क्वेश्चन नंबर एट में बच्चों यहाँ पर देखिए CH4 दिया है और CL2 दिया है, ठीक है, CL2 के साथ H-neon लिया है, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन में CH3Cl और HCl बनाया है। तो कहता है कि अगर आपको जो है टू ऑब्टेन हाई यील्ड ऑफ CH3Cl, अगर हमें CH3Cl को हाई अमाउंट में प्राप्त करना है तो CH4 और Cl2 का जो रेशियो है वह कैसा रखना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है हाई रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 और 10 जो है दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को ही आपसे पूछा गया है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, बेसिकली क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछा है आपसे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछा है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का वैसे बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, है ना, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। उन सारे डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन ये होता है बच्चों, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ये है, ठीक है। अगर आपसे इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछा जाएगा तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है कि उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड मौजूद हैं, कितने रिंग मौजूद हैं, ठीक है। तो रिंग देखिए एक ही है तो DU इसका एक हो जाएगा, तुरंत देख के बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि इस रिंग को, मतलब इस रिंग को ब्रेक करने के बाद, मैंने इस रिंग को ब्रेक करके हमें क्या है ओपन चैन बनाना है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का डेफिनेशन ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड,
कहने का मतलब है कि इस कंपाउंड में कितने मिनिमम बॉन्ड को तोड़ा जाए, इस कंपाउंड में मिनिमम कितने बॉन्ड को ब्रेक किया जाए ताकि ये कंपाउंड जो है ना ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड होगा वही होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का तीसरा डेफिनेशन होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे ही आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में लिंकेज खत्म, तो देखिए ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा तो क्या हो गया, ये बताइए इसका डी यू कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही तो निकला था। चलिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पर कहता है हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्यूबेन इंटू नॉन साइक्लिक स्केलेटन, मतलब ओपन चैन। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना, जो अभी मैंने डेफिनेशन बताया था मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड क्लीवेज या मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाए कि जो कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड है वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए। तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड क्लीवेज होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। तो अब हमें जैसे देखिए इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नंबर क्या कीजिए कि ये जो देखिए ये क्यूब है, मतलब हम जहाँ पर हैं जिस रूम में हैं, जिस रूम में होते हैं वहाँ पर हम क्यूब को देख कर समझ सकते हैं, और उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो बस अब आप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सोचिए। इस कार्बन, इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन से बनने वाला जो फेस है यहाँ पर उसको देखिए। ठीक है, सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है, इस क्यूब को ब्रेक करना है, ओपन चेन में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। देखिए अभी मैं एक स्ट्रक्चर ही बना लेता हूँ, ठीक है, फिर उसमें क्या है मिटाते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा, अब यहाँ से मिटाने वाले हैं। तो मैंने ये बोला कि सबसे पहला नंबर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो देखिए हमने क्या किया, ये बहुत तेरी नहीं होगा, चलिए इसी में समझाते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे बच्चों, देखिए ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे कर देता हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया एक बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया दूसरा बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये तीसरा बॉन्ड ब्रेक किया और ये चौथा बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे ही आप ये इस तरह से ये चारों बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो देखिए आपको स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा वो मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक तो इधर ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, एक कुछ ऐसा इधर दिख रहा है और एक कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे ही आप इस चारों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इसके बीच में आपको एक कट लगाना है यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक कट लगाएंगे तो ये क्या होगा बच्चों, ये जो बीच वाला बॉन्ड है ना, ये बीच वाला बॉन्ड देखिए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये कंप्लीट तरीके से ओपन चेन बन चुका है, और ओपन चेन में अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, जिसमें तीसरे और चौथे कार्बन पर जो है आपको मिथाइल का लिंकेज दिख रहा है। तो देखिए टोटल कट कितने लगाने पड़े हमें, 4 तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ा और एक जो है यहाँ पर इस वाले फेस को ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ क्लीवेज कितने होंगे, 5 होंगे, और चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वही होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो इसका भी आंसर 5 होगा। ठीक है, तो एक तीर में 2 शिकार कर दिए अपन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऑलरेडी ड्रॉ है, आपको पहचानना है, फॉर द 3-स्टेप रिएक्शन इन विच द फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट एंड लास्ट स्टेप इज फास्टेस्ट। देखिए बच्चों, मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये सबसे ऊपर पीक पर जाता है,
पीक पर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और यह है रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। देखिए मैं इसको मतलब देसी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और ये पहाड़ है, ठीक है। तो इस बच्चे को इस पहाड़ को क्रॉस करके उस पार जाना है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन, ठीक है, मतलब रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि इधर रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को क्रॉस करके और उस पार जाना है। तो ये उस पार कितना फास्टली जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये पहाड़ की ऊंचाई कितनी ज्यादा है। अगर इस पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा है ना, पहाड़ की ऊंचाई जितना ज्यादा होगा तो इस व्यक्ति को उस पार जाने में उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कहने का मतलब है कि इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें पहले स्टेप को स्लो करना है, पहले स्टेप को अगर हमें स्लो करना है तो ये जो पहाड़ की ऊंचाई है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ज़्यादा एनर्जी लेवल पर होना चाहिए और रिएक्टेंट जो है कम एनर्जी लेवल पर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसी स्थिति तीनों डायग्राम में केवल सी में दिख रहा है। इसमें देखिए क्या किया है, लास्ट स्टेप में जो है, पहले में तो देखिए क्या किया है, ऊंचाई को कम कर दिया, तुरंत क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा जोर आएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा जोर आएगा। जबकि क्या बोला है, पहले स्टेप, पहला स्टेप स्लो होना चाहिए। तो पहला स्टेप देखिए यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई है, फिर कहता है लास्ट स्टेप फास्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप है ना, जितना ऊंचाई है देखिए, ये पहाड़ का पहला दूसरा पीक पॉइंट, ये तीसरा पीक पॉइंट, तीसरा पीक पॉइंट देखिए एकदम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, देखिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम ही ऊंचाई पर है, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है तो सबसे स्लोएस्ट होगा फर्स्ट स्टेप, और ये देखिए सबसे कम ऊंचाई पर है तो सबसे फास्ट होगा इसका लास्ट स्टेप। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह से हम लोग ग्राफ को देखकर पता कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों देखिए यहां पर दिया हुआ है, इस तरह से क्लोरीनेशन करना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो कहता है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आईआईटी में भी आए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इस तरह क्वेश्चन आईआईटी में आए हुए हैं। यहां पर पूछा है कि नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो अभी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार यहाँ पर लगा लेना, फिर इस तरह से बच्चों ऐसे करके यहाँ पर लगा लेना है, फिर इस तरह से ऐसे करके जो है चार स्ट्रक्चर बना लीजिए, क्योंकि चार जगह क्लोरीनाइड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। देखिए जब आप यहाँ पर ऐड करोगे ना, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए कोई भी कायरल सेंटर मौजूद नहीं है, तो प्रोडक्ट की संख्या एक ही होगी। जब आप क्लोरीन यहाँ पर लगाओगे बच्चों, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, ये कायरल सेंटर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऐसे ऐसे दो कंपाउंड होंगे, एक R होगा, एक R कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड होगा और एक S कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड होगा, तो दो मिलेंगे इसमें। जब आप यहाँ पर क्लोरीनेशन करोगे तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो एक ही होगा। यहाँ पर जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कार्बन है ये कायरल सेंटर बन चुका है, तो फिर दो हो जाएगा। तो बताइए कितने हो गए, एक प्लस दो, एक प्लस दो प्लस एक प्लस का दो, ठीक है। तो ये हो गया दो, दो चार और दो छह हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए, सिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों, ये बेसिकली हाइड्रोजिनेशन करने का तरीका होता है, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करने का तरीका होता है। जब भी आपके सामने कोई भी अल्किन सिस्टम आ जाए, ठीक है, अल्किन सिस्टम आ जाए और इसके सामने जब आप NH2 बोले तो हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर और एक हाइड्रोजन, जैसे H2PT में करते हैं वैसे ही H2 निकल में करते हैं हाइड्रोजिनेशन, वैसे ही हाइड्रोजिनेशन जो है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में भी किया जा सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हाइड्रोजन तो नहीं है, बेसिकली यहाँ पर ड्यूटेरियम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ड्यूटेरियम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक ड्यूटेरियम को यहाँ पर लगा देंगे, एक ड्यूटेरियम यहाँ पर लगा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीन एडिशन होगा, मैंने सीन एडिशन होता है, मतलब दोनों के दोनों ड्यूटेरियम जो है एक ही साइड से अप्रोच करने चाहिए, दोनों के दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड से अप्रोच करने चाहिए, ठीक है, ये होता है इसका मैकेनिज्म। तो आंसर हो जाएगा इसका भी।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में बच्चों एक ए अननोन कंपाउंड दिया है और H2PT। H2PT क्या करता है? बेसिकली डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। तो कहता है H2PT का एक मोल यूज करने पर ये कंपाउंड मिला है। अब ये जो कंपाउंड मिला है बच्चों, इसमें देखिए कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, फाइनल प्रोडक्ट से पहले इस पर H2PT अप्लाई हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है? पहले एक डबल बॉन्ड रहा हुआ था, इसलिए एक मोल H2PT यूज हुआ और फिर ये इस तरह का कंपाउंड। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल रहा होगा उसमें डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं ये यहाँ पर रहा होगा, यहाँ कहीं पर भी, मैं बोल रहा हूँ कहीं पर भी है तो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये जो कंपाउंड है इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। तो हमसे स्टार्टिंग मटेरियल का जो है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछा गया है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और प्लस का नंबर ऑफ रिंग होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस का नंबर ऑफ रिंग। तो इस कंपाउंड को अगर आप गौर से देखिए तो इसमें रिंग आपको कितने दिख रहे हैं? दो, और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? एक। तो टोटल DU कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम बात करेंगे, कहता है अरेंज द फॉलोइंग अल्केन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर हीट ऑफ कंबशन। बच्चों हीट ऑफ कंबशन का डायरेक्टली मतलब जो फॉर्मूला होता है, जो तरीका होता है, वो होता है कि नंबर ऑफ, बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आपने GOC वाले चैप्टर में किए होंगे इसलिए आपको आइडिया होगा। हीट ऑफ कंबशन जो है बच्चों वो नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो इसलिए क्योंकि बेसिकली जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। क्या होता है? CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो CO2 कितना ज्यादा रिलीज होगा ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या कितनी ज्यादा है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कार्बन की संख्या अगर बराबर हो जाए तो वैसी स्थिति में फिर हम क्या करते हैं? स्टेबिलिटी देखते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी देखते हैं। जो कम स्टेबल होगा वो ज्यादा हीट जनरेट करता है, समझ गए बात को। हीट ऑफ कंबशन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया किसका कितना ज्यादा है, ठीक है, सरफेस एरिया किसका कितना ज्यादा है। जिसमें सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, है ना, या फिर यूं बोल लें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा होगा उसमें सरफेस एरिया कम होगा, उसका हीट ऑफ कंबशन उतना मतलब आसानी से नहीं हो पाएगा जितना उस कंपाउंड का हो पाएगा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। इस कंपाउंड का देखिए सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ कार्बन देखिए सब में एक ही है, वो इसलिए क्योंकि पेंटेन के ही सारे आइसोमर्स हैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सब में बराबर है। तो इसका मतलब इससे हम डिसीजन नहीं ले सकते, स्टेबिलिटी से भी हम यहाँ नहीं देख सकते। तो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया पर जाना पड़ेगा या ब्रांचिंग पर जाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया 3 वाले में सबसे ज्यादा है, तो 3 में हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद A। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम, कैसे पता लग रहा है, तो ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, तो 3-2-1 ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें जो है बच्चों देखिए, जो अल्किन सिस्टम है, इस अल्किन पर H2PD किया हुआ है, मतलब हाइड्रोजिनेशन किया हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि यहां पर देखिए जो साइक्लोपेंटेन बनाया हुआ है उसमें बच्चों मिथाइल को देखिए नीचे दिखाया है। हम क्या करते हैं, मिथाइल को डैश कर देते हैं और इसको जो है यहां पर जो है हम वेज कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब इस अल्किन पर आप हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो आपको पता है कि हाइड्रोजिनेशन सेम साइड से होता है ना, सेम साइड से होता है। कहने का मतलब जब भी हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन या तो दोनों टॉप से ऐड होगा या फिर दोनों बॉटम से ऐड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहां पर बच्चों दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। एक जैसे देखिए यहां पर तो हाइड्रोजन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन ऐड करने में प्रॉब्लम है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर दो प्रकार के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। भाई ये क्या है, ये साइक्लोपेंटेन का कार्बन है, तो इस पर जो दो ग्रुप लगे हुए होंगे, एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे होगा,
समझ गए बात को। तो यहाँ पर बच्चों दो प्रकार की स्थिति होगी, एक स्थिति ऐसी होगी कि मिथाइल नीचे और हाइड्रोजन ऊपर, और एक स्थिति कुछ ऐसी होगी, यहां देखिए ये वाला तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा जैसे स्ट्रक्चर में दिया हुआ था। एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि मिथाइल जो है ना प्लेन के ऊपर रहे और ये हाइड्रोजन जो है ना प्लेन के नीचे आ जाए, और ये दोनों जो है बच्चों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स के पेयर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, एक दूसरे के डाई स्टीरियोमर्स हो जाते हैं। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों बेसिकली क्या है कि ये आपसे ब्रोमिनेशन करवाया जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस ना हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो बेसिकली ये भी फ्री रेडिकल्स सब्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगा, ठीक है, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करेगा। बस ये हमें इसमें देखना है, ठीक है, हमें ये देखना है इसमें कि फ्री रेडिकल्स कहाँ पर बनाए कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल्स कहाँ पर बनाया जाए कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो वैसे देखिए बच्चों फ्री रेडिकल्स इस कार्बन पर बनाया जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन जैसे ही आप ब्रोमीन को यहाँ पर इस कार्बन पर अटैच करेंगे तो इस ब्रोमीन में होगा रिपल्सन, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या है, कहने का मतलब है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर सोचेंगे, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लग जाए एक प्रोडक्ट, ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है कि ब्रोमीन आप यहाँ पर लगा लीजिए। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ब्रोमीन जो है हम यहाँ पर लगा लें, ठीक है। चौथा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ब्रोमीन हम यहाँ पर लगा लें, और पांचवा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पर लगा लें, ठीक है। इस प्रकार से फ्री रेडिकल्स हम बना सकते हैं। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेंड एज द प्रोडक्ट इन अबव रिएक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी ऑब्टेंड इन द अबव रिएक्शन। तो देखिए चलिए अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला में देखिए यहां पर दिया हुआ है, फर्स्ट वाले में बच्चों यहां पर देखिए CH3 दिया हुआ है, ठीक है, यहां ब्रोमीन लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहां पर लगा दिया तो इस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। इस वाले में ब्रोमीन जो है इस तरफ ले लिया है तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, इस वाले में बनाया है ये भी बन सकता है, और डी वाले में देखिए गड़बड़ी क्या है, क्या किया है इसने गड़बड़ी, डी वाले में गड़बड़ी देखिए यहां पर यह हुआ है कि इसने क्या किया है कि इस कार्बन पर जो ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया, क्या कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया है। इस वाले में यही मिस्टेक, इस वाले प्रोडक्ट में क्या मिस्टेक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया गया है। बच्चों आपने पढ़ा होगा जैसे इस तरह से जब हम नॉर्मल ब्यूटेन या नॉर्मल पेंटेन या आइसो ब्यूटेन पर जब हम हैलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, जब हम इस पर हैलोजिनेशन करते हैं तो वैसी स्थिति में हम स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है ना आपको उसी के अकॉर्डिंग हैलोजिनेशन करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन करना पड़ेगा। तो इन सब में देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जो है दिए गए स्टार्टिंग मटेरियल में, देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जो है राइट हैंड साइड में है, और चूंकि ये कार्बन जो है वो कायरल सेंटर है इसीलिए ब्रोमीन का राइट हैंड साइड होने से इसका महत्व बढ़ रहा है, और राइट हैंड साइड ही होगा क्योंकि हम स्टार्टिंग मटेरियल को चेंज नहीं कर सकते। स्टार्टिंग मटेरियल को कॉन्स्टेंट रखते हुए, उसके कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्स्टेंट रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हैलोजिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें मेजर माइनर हमसे नहीं पूछा है, मेजर माइनर हमसे नहीं पूछा गया, हमसे बस केवल ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्टेन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिया है अगर यही कुछ ऐसा लिखा होता CH3
और यहाँ पर जैसे मान लीजिए बी आर लिखा होता है, एच लिखा होता है, यहाँ पर जो है बी आर, यहाँ एच, तो फिर ये इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का प्रोडक्ट मिल सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में चूंकि कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर बदल दिया गया है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, तो इसके बाद का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।